Hey guys, welcome back to our next tutorial. Hey, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ऑफिशियल सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक के व्हाट्सएप के दो दो न्यू अपडेट के बारे में। तो आज के इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, हाल ही में व्हाट्सएप ने एक न्यू कलर स्टेटस पोस्ट का अपडेट दिया हुआ है। तो आइए व्हाट्सएप अपडेट को जान लेते हैं कि वो व्हाट्सएप अपडेट कैसे काम करता है। सबसे पहले सिंपली व्हाट्सएप को ओपन करना होगा एंड उसके बाद हमें स्टेटस पे जाना होगा। आपको एक चीज़ यहाँ पे याद कर लेना होगा कि आपने व्हाट्सएप को बीटा वर्जन इनेबल कर लीजिए एंड व्हाट्सएप के अपडेट को ओके कर लीजिए। व्हाट्सएप अपडेट हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखना है, आपको टू बटन मिल जाएंगी। अगर आप नीचे वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका नॉर्मल जैसे आप पहले स्टेटस पोस्ट करते थे सेम टू सेम उसी तरह से ओपन होगा। इसके अलावा अगर आप ये ऊपर पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का नजर आएगा। चलिए सिंपली मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ। सपोज दैट जस्ट मैंने यहाँ टाइप किया सब्सक्राइब। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इस पर क्लिक करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे देखिए कुछ इमोजीज ओपन हो जाएंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट में चेंजमेंट करना चाहते हैं, फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस बटन पर क्लिक करें। आप जैसे जैसे इस पर क्लिक करते आएंगे मैनुअली वैसे वैसे फॉन्ट चेंज होता रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये देखिए कलर बॉक्स मिल जाता है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें और अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लें। तो ये है सिंपली छोटा सा अपडेट जिसके थ्रू आप अपने किसी भी व्हाट्सएप स्टेटस पे टेक्स्ट स्टेटस पे कलर पोस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा व्हाट्सएप स्टेटस आपको पसंद आएगा। आइए व्हाट्सएप पोस्ट कर देते हैं, तो देखिए मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप सिंपली जल्दी से टेक्स्ट को पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस पोस्ट कर सकते हैं, कलरफुल स्टेटस। Hey guys, तो जो नेक्स्ट अपडेट व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक में भी आया है, तो फेसबुक का ऑलरेडी आ चुका था तो, लेकिन ये दोनों काफ़ी कूल हैं और आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज है, बताना ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको भी सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले जानते हैं कि फेसबुक को आप स्टेटस पोस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रेडियंट आपको मिल जाते हैं। आपको मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि ये जो स्टेटस पोस्ट आपको मिलता है व्हाट्सएप से अच्छा है, व्हाट्सएप से ज़्यादा बेहतर आपको मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के फीचर मिल जाते हैं जिसपे कुछ इमेजेस हैं, कुछ इस तरह से काफ़ी कूल लुक मिल जाएगा। लेकिन वहीं आप अगर व्हाट्सएप पे देखते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल सा स्टेटस मिल जाता है। तो आपको जो भी पसंद आए अब इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज दैट मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपना कोई भी स्टेटस पोस्ट कर देता हूँ। सपोज दैट मैंने सब्सक्राइब पोस्ट किया और यहाँ पोस्ट बटन पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटस है पोस्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे रेड कलर से ग्रेडियंट के पीछे सब्सक्राइब आ चुका है। तो इस तरह से आप फेसबुक में, व्हाट्सएप दोनों में स्टेटस को पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ 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 चैनल को इस तरह से क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें एंड यहाँ पे बेल के नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर कर दें। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ पर मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। देखिए मैं आपको लास्ट वन वीक के आपको वीडियो शो कर रहा हूँ, एक कल का वीडियो है जिस पे केवल 16 व्यू आए। उसके पहले 3 डेज़ पहले मैंने वीडियो डाला था, ओनली 31 व्यू है। जब 3 दिन हो जाते हैं तब जाके 31 व्यू 31 व्यू आते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 19 व्यू, 69 व्यू, 24 व्यू। दोस्तों मैं परेशान हो गया हूँ, मैं काफ़ी वीडियोस पोस्ट करता हूँ बट उसके बाद भी मेरे पास व्यूज नहीं आते। दोस्तों आप लोग प्लीज़ मुझे कंटेंट प्रोवाइड करें कि आखिर अब मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपनी वीडियो को वायरल कर लूँगा या अपनी वीडियो का बेस्ट दूंगा। तो उसके बाद भी मेरे चैनल पे या मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है और इसीलिए मेरे 1000 सब्सक्राइबर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएँ, अबाउट सेक्शन में आएँ, सजेशन फॉर्म या ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, गूगल प्लस, कहीं पर भी मुझे मैसेज करें, नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियोस में मैसेज करें कि आखिर मुझे किस टाइटल पे या किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से मुझे टॉपिक्स दें, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए अपना पूरा बेस्ट करने की कोशिश करूँगा, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा जो टॉपिक आप चाहते हैं। वन मोर थिंग, इसके अलावा इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको ये दे देता हूँ
कि प्लीज़ 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 अगर आपको इस तरह का वीडियोस बोलते हैं, फेसबुक हैक कर देना, व्हाट्सएप हैक कर देना, तो आई एम सॉरी, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियोस मैं नहीं बना पाऊँगा बिकॉज ये इलीगल है। एंड इसके अलावा आप किसी ऐप का अपडेट, कोई भी न्यू टेक ट्रिप्स, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक टॉक, इस तरह की वीडियोस के बारे में बोल रहे हैं, एजुकेशनल टिप आप पीसी के लिए बोल सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग खुद मुझे प्रोवाइड करें कि आखिर मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज मैं काफ़ी परेशान हूँ और मेरे पास वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे हैं। तो इतने सारी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास केवल 846 सब्सक्राइबर ही हो पाए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो पाए, मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक करिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।